हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सरी नोट्स एंड डायग्राम हेल्प। आज हम बात करेंगे जो लर्निंग होती है उसको क्या इम्पोर्टेंस होते हैं नर्सिंग में, मतलब कि एक नर्सिंग में एक लर्निंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है उसके बारे में आज हम जानेंगे। पहले द मेन एम ऑफ लर्निंग इन नर्सिंग एट ऑल लेवल इज टू एनहेंस द नर्सेज कंट्रीब्यूशन टू असिस्ट द इंडिविजुअल्स फैमिलीज एंड कम्युनिटीज इन प्रोमोटिंग एंड परसीविंग हेल्थ वेलबिंग एंड टू एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड टू इलनेस। पहले पॉइंट में यही लिखा है जो नर्सिंग प्रोसेस का मेन एम होता है, अगर एक नर्स की प्रैक्टिस इंटेलिजेंस से ज़्यादा हो तो वो इफेक्टिवली एक इल पेशेंट को केयर कर सकते हैं, उसको हेल्थ को प्रमोट करने में, उसको वेलबिंग दिलाने में, मतलब उसको हेल्थ को प्रमोट करने में एंड इलनेस को प्रिवेंट करने में एक नर्स अगर जिसकी लर्निंग अच्छी होते हैं वो बहुत मदद करते हैं उसकी एफिशिएंटली रेस्पॉन्ड टू इलनेस, मतलब इलनेस को क्योर करने में बहुत मदद करते हैं। देन सेकंड पॉइंट में आता है नर्सेस हु इन्वेस्ट इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैन ऑफन फंक्शन कॉन्फिडेंटली एट द टॉप ऑफ देयर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। इसमें कहा जो नर्सेज मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं किसमें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में, क्योंकि हमारा लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होते, हम जितने चाहे उतने लर्न कर सकते हैं, न्यू चीज़ें सीख सकते हैं। जो हमारे नर्स होते हैं वो अपना जितना टाइम लर्निंग प्रोसेस में दे सकते हैं अगर वो देगा तो वो हेल्प करेगा उसको अपने स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में, अपने जॉब एरिया पे जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहाँ पे उसकी लर्निंग प्रोसेस बहुत इफेक्ट करता है। ये रहा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इन नर्सिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।